खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। बात उत्तर प्रदेश के आगरा की, जहां पर एक छात्र पर फिल्मों और समाचारों का कुछ इस कदर से असर पड़ा है कि उसने गंभीर अपराध को अंजाम देने की योजना बना डाली। छात्र ने अपने दोस्त के मोबाइल से सिम चोरी किया और उसके बाद अपने पिता के मोबाइल से सराफा का नंबर ले लिया। इसके बाद छात्र ने फोन कर 350 करोड़ की रंगदारी मांग डाली। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपित छात्र को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी छात्र के पिता सराफा के यहां पर कारीगर हैं। पुलिस के मुताबिक कमला नगर निवासी सराफा मनोज गुप्ता के मोबाइल पर शाम 7:30 बजे एक अनजान नंबर से कॉल की गई। कॉल करने वाले ने उनसे 350 करोड़ की रंगदारी मांगी और ना देने पर परिवार को खत्म करने की धमकी दी। फिरौती की रकम सुन किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। जांच करने पर यह पता चला कि सिम कार्ड नगला देवजीत निवासी राहुल का है। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी छात्र को धर दबोचा है। पुलिस के मुताबिक जल्दी अमीर बनने के चक्कर में छात्र ने फोन पर फिरौती की मांग की। कल थाना कोतवाली के एक व्यापारी ने लिखित सूचना दी कि उनके फोन पर एक नंबर से कॉल आ रहा है जिसमें 350 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। तत्काल इस सूचना पर मुकदमा दर्ज करते हुए टीमें लगा दी गई थी। आज उस अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उस व्यक्ति का नाम प्रियांशु है, जो व्यापारी सर्राफा व्यापारी के यहाँ काम करने वाले नरोत्तम सिंह का बेटा है। प्रियांशु ने सिम दूसरे पड़ोसी का चोरी कर उससे कॉल किया और पैसे की मांग की। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।